हेलो दोस्तों, पिछली वाली कक्षा है उसमें हमने सीआरओ है उसका ब्लॉक चित्र देखा हुआ था। इसके बाद हम जो सीआरओ है उसकी वर्किंग है उसके बारे में देखेंगे। सीआरओ अपना कैसे कार्य करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर पर सीआरओ है उसके कई सारे मतलब पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स हो रहे हैं इनका अलग-अलग कार्य होता है। अभी हम स्टार्टिंग में इसके पार्ट्स रहेंगे। इनके लिए अपन दो भाग हैं, उनमें डिवाइड इसको करते हैं अपन, है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया ये, और हाँ इसके बाद, और हाँ इधर पर हो गया ये सेकंड वाला पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट होगा इसका देखेंगे अपन कैसे हो रहा यह है काम करता है। पहले इधर वहां इनपुट सिग्नल है, इसकी बात हम कर लेते हैं। फर्स्ट इनपुट सिग्नल होगा वो वर्टिकल एम्पलीफायर है उसके अंदर से प्रभावित होता है। हो गया जी, इसके अंदर से पास वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है कि, और हाँ जो इनपुट सिग्नल है उसके लिए डिले लाइन है जो इसके वहां इसमें पास कर देता है, अर्थात और हाँ एम्पलीफायर इसके लिए कर देता है। एम्पलीफायर मतलब होता हो रहा है क्या, एम्पलीफायर मतलब होता है कि सिग्नल अपना एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भेजना, ठीक है। इसके बाद अपना सिग्नल अपना और हाँ वहां इधर आ जाता है डिले लाइन, क्या करती है कि जो अपना मतलब जो सिग्नल है उसके लिए वर्टिकल प्लेट है इसमें पास कर देती है, ठीक है। इसमें एक मतलब सिग्नल अपना वहां इसमें आ जाता है वर्टिकल प्लेट में आ जाता है। इसके बाद और दूसरा जो है अपना सिग्नल हाँ उसके लिए होल्ड करता है डिले लाइन, और हाँ उसके लिए फिर इसके बाद और हाँ वो इधर से ट्रिगर सर्किट है और हाँ इसमें पास कर देता है। हाँ
फर्स्ट पार्ट है इसका और हो गया वहां काम, है ना। हाँ, इसके बाद आ जाता है अपना सेकंड वाला, इसके लिए अपन फर्स्ट बोलेंगे वहां पार्ट और इसके लिए सेकंड पार्ट इसके लिए। हाँ, इसके बाद अब जो सेकंड वाला और है पार्ट, हाँ, इसका काम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो अपना होल्ड वाला जो सिग्नल होगा और हाँ वो टिगर सर्किट है इसमें से पास होगा, ठीक है। हाँ, सर्किट इसके लिए क्या करता है, इस जो सिग्नल है उसके लिए 100 फुट वेव है उसमें कन्वर्ट इसके लिए कर देता है, अर्थात और हाँ वो ऐसे ही और होती है वहां पे ऐसी अपनी मतलब आ रहा और होता और है ना हेक्सा, और हाँ ऐसे आकार है उसमें और होती है और हाँ यह है। हाँ, तो इसके बाद और हाँ जो आगे जो वेव रहेगी और हाँ वो टाइम बेस जनरेटर है अपना, इसके अंदर से प्रभावित होगा वो। हाँ, तो क्या करता है अपना टाइम बेस्ड जनरेटर इसके लिए और हाँ वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है मतलब और हाँ वो उसकी ओर पास करता है। हाँ, तो इसके बाद और हाँ इसका काम स्टार्ट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एक हाँ ऐसा एम्पलीफायर है जो कि अपने हॉरिजॉन्टल सिग्नल है उसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेट है उसमें पास कर देता है, ठीक है। और हाँ एटलीस्ट अंतिम स्टेज आ जाती है, अंतिम स्टेज आ जाती है और हाँ वो और हाँ वो स्क्रीन है उस पे प्रदर्शित होती है वर्टिकल प्लेट से पास हुआ सिग्नल एवं हॉरिजॉन्टल प्लेस से पास हुआ सिग्नल दोनों ही अंतिम और हाँ रूप से ही स्क्रीन है उस पे और हाँ जाकर फाइनली मूव होते हैं, ठीक है। और हाँ जी अंतिम स्टेज हो जाती है और अपना और हाँ जो आउट पुट रहता है और हाँ वो इधर टी स्क्रीन है उस पर प्रदर्शित होता है होता है, ठीक है दोस्तों। जी इसकी हो गई सीआरओ है इसकी वर्किंग हो गई। अब इसके बाद अपन इसके लिए पॉइंट वाइज इसके मतलब और हाँ जो इम्पोर्टेंट और हैं बिंदु उनके लिए नोट हम करते हैं।